औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्ड्स। आज हम जिस सेटअप पे आए हैं माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। एक छोटा सा सेटअप बनाया है मगर जिस तरीके से इन्होंने इसको वेल मैनेज करा हुआ है, आप अगर देखें मेरा साथी दोस्त आमिर आपको दिखाएंगे, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सेटअप है। छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, बहुत अच्छे किस्म से म्यूटिशन भी रखे हैं, बर्ड्स भी रखे हैं, वेंटिलेशन का भी बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि देखिए, अगर कोई अच्छे बर्ड्स रखते हैं, महंगे बर्ड्स रखते हैं, तो इन चीज़ इस चीज़ तमाम मतलब इन चीज़ उनके लिए ख्याल रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इनके लिए ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने माशाल्लाह से रूम कूलर भी इतना बेहतरीन अलग से इनके लिए ऑर्डर करके बनवाया हुआ है और वेंटिलेशन का इतना बेहतरीन सेटअप किया हुआ है। बर्ड्स भी इनके पास अलग क्वालिटी की किस्म के बर्ड्स हैं, बहुत अच्छे म्यूटिशन है। मगर मैं इस चीज़ को देख के माशाल्लाह से बहुत दिल खुश हुआ कि छोटा सा सेटअप है पर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये जिसका सेटअप है इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए, कहाँ से इन्होंने परचेज़ करे हुए थे और अब इनके पास जो ब्रीड आई हुई है इसका क्या करना है और नेक्स्ट इनका फ्यूचर क्या है, तमाम उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर इनसे पूछ के बताऊँगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सेटअप को दिखाने का मकसद ये था कि देखिए, अगर आप इतने महंगे म्यूटिशन रखते हैं तो इनके लिए ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर इसका इंतज़ाम करते हैं तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। बर्ड्स भी आपके अच्छे रहते हैं क्योंकि इतने महंगे बर्ड्स आप ले लेते हैं और फिर इसके लिए ये सेटअप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे गर्मी आ गई है इसमें इसको बर्ड्स को कवर करना था। तो चलें, मैं मुलाकात पर आता हूँ, आपका जिनका सेटअप है वो आपको बाकी डिटेल्स बताएँगे बर्ड्स के मुतालिक भी और ब्रीड के बारे में भी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सैयद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई पहले अपना जो इंट्रोडक्शन ज़रा करवाइएगा हमारे व्यूअर्स को। सर बस ये है कि पिछले साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू किया था मैंने माशाल्लाह से, तो ये फर्स्ट ईयर है तो माशाल्लाह से प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बड़ा इसमें जो है ना अपना करम फरमाया और बहुत अच्छी ब्रीड आई माशाल्लाह से, बहुत अच्छे मैंने चॉइस करके ये बर्ड्स लिए थे अपने। अच्छा मुझे बताएं आपके पास कौन कौन से म्यूटेशन रखे हुए? मैंने सर ऑफलाइन के अंदर है, ब्लू ऑफलाइन यूविंग है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन है और पेल फेलो वगैरह हैं, वायलेट पेल फेलो हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर है मतलब इसमें, तो कैसा मतलब महसूस करेंगे आपने इसे ब्रीड किस तरीके से ली? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत अच्छा लगा, जब ब्रीड आना शुरू हुई तो बहुत खुशी हुई और उसके अंदर अल्लाह पाक ने अपनी बरकत डाली। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पेल फेलो लगाया तो उसमें मेरे पास पेल फेलो ऑफलाइन भी आए हैं, किरमिनो मैंने प्रोड्यूस करवाया है और अल्बाइनो ऑफलाइन प्रोड्यूस करवाया है। माशाल्लाह से ये फर्स्ट मतलब आपने इससे पहले बर्ड्स रखे हैं? बर्ड्स मैंने काफ़ी ईयर पहले रखे थे लेकिन 8-10 साल पहले की बात। तो इसका मतलब माशाल्लाह से आप फर्स्ट, मैंने व्यूवर से ऐसा बंदा देखा तो माशाल्लाह से काफ़ी लकी हैं कि फर्स्ट ईयर में मतलब जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम में बर्ड्स रखे और अच्छी सी म्यूटेशन ब्रीड भी करवाई है, वरना तो इवन के लोगों के पास 2-2 साल के बाद जाके ब्रीड आना शुरू होती है। जी सर, बस मैंने कहा ना आपको, तो मैंने बहुत अच्छी जगह से चॉइस करे और बर्ड्स अल्लाह पाक ने अपना करम फरमाया। जैसे कि मैंने अब जब बर्ड्स लेने के हवाले से मैंने वीडियो देखी है मुमताज़ भाई की, तो उनसे मुझे बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं कि बर्ड्स लेने के लिए, फिर उनके पास गया तो उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बर्ड्स लिए उनसे मैंने और फिर उनसे मतलब ये बर्ड्स जितने भी आपने लिए हुए ये मुमताज़ भाई के लिए हुए बर्ड्स? जी सर, मुमताज़ भाई से लिए हुए। आपने बाइंग किया? जी सर। तो कितने पेयर आपने लिए थे उनसे? तकरीबन 10 से 12 पेयर लिए थे। 10 से 12 पेयर लिए थे और अब माशाल्लाह से आपके पास कितने? तकरीबन 30 पेयर के करीब हैं और जिसमें से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ब्रीड मतलब सेल भी करी। मज़ीद आपका क्या इरादा है सर? इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना बहुत आगे तक लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स एक एक करके इनके सेटअप पर विजिट भी कराएंगे, कौन कौन से बर्ड्स हैं और इनके पास अभी कौन सी ब्रीड आई हुई है। सर बिल्कुल, आपको मैं आप विजिट करवाते हैं इंशाल्लाह। तो आमिर भाई मतलब नेक्स्ट सीज़न के लिए अभी जो सीज़न आ रहे हैं उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? सैयद भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ तो मैं इंशाल्लाह डाइल्यूट ऑफलाइन पे जाऊंगा, डाइल्यूट पेल फेलो पे जाऊंगा और इंशाल्लाह आगे ये पेल फेलो ऑफलाइन तो मैंने प्रोड्यूस करवा लिया है और इंशाल्लाह किरमिनो ऑफलाइन की तरफ भी जाऊँगा। फर्स्ट माशाल्लाह से मैंने आपको देखा है, फर्स्ट ब्रीडर है जिन्होंने ये सारी चीज़ें ब्रीड करवाई हुई है, तो आपने जो पेयर लिए थे उन्होंने आपको बताया था कि इसमें से ये चीज़ आ सकते हैं? जी सर, मैं उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल भी हैं, स्प्रेड भी हो सकते हैं, उन्होंने ये कहा था। लग था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लग मेरा काम भी कर गया कि
उनकी दुआ थी मेरे साथ, उन्होंने बार बार मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करा के बताते रहे ऐसे करना है ऐसे करना है, और आगे भी इंशाल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। माशाल्लाह वन ऑफ द लकी मैन है, इनके पास इतनी अच्छी ब्रीड आई हुई। तो व्यूअर्स एक एक करके इनके केज के आपको बताएंगे कौन कौन से ब्रीड इनके पास आई हुई है, इसको कौन कौन से ब्यूटिशियन है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं आमिर भाई इंशाल्लाह। तो आमिर भाई इस पेयर के बारे में बताइए कौन सा पेयर है। सर ये ग्रीन ऑफलाइन का पेयर है, ठीक है। इसकी जो फीमेल है जो है ना ये ग्रीन ऑफलाइन है और इसका मेल योविंग वाला है। तो इसकी आपकी ब्रीड आई है आपके पास? जी सर इसकी ब्रीड आई है। अभी है आपके पास ब्रीड इसकी? नीचे इसके मैंने अंडे पोस्टर कर दिए, इसमें पेल पेलों के बच्चे हैं। अच्छा इससे आप पोस्टिंग का काम कर पाते? जी। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स माशाल्लाह से चिक्स भी आए हुए, ये पेल पेलो। ये कौन कौन से चिक्स आए हुए सर? सर इसमें ग्रीन पेल पेलो है, वायलेट पेल पेलो है जी। तो इसमें ग्रीन ऑफलाइन के जो है ना चिक्स है, इसमें ग्रीन ऑफलाइन के चिक्स हैं। तो ये आपने उसके चिक्स जो एग से वो पोस्टिंग करा दें आपने। तो ये पेयर कौन से हैं? ये फिशर का पेयर है, दोनों फीमेल हैं। दोनों फीमेल। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं व्यूअर्स काफी अच्छे साइज में चिक्स आए हैं इनके पास। एक बोले आमिर भाई सर ये जो है ऑफलाइन का जो पेयर है वायलेट वाला, तो ये जो है ना स्प्रिट इनो भी है, दोनों मेल फीमेल दोनों स्प्रिट इनो है। तो इसमें से हर कलच के अंदर मेरे पास अल्बाइनो ऑफलाइन आ रहा है, क्योंकि तो इसका मेल भी ऑफलाइन है और फीमेल भी ऑफलाइन है। तो रेड आइज में आता हो? वो रेड आई में है। तो हर कलच में एक बच्चा या दो बच्चे मेरे को मिल रहे हैं। ठीक। अमर भाई इस पेयर के बारे में बताइए कौन सा पेयर है आपका? सर ये पेल पेलो का पेयर है, ग्रीन पेल पेलो स्प्रिट ब्लू स्प्रिट ऑफलाइन, ये मेल है ग्रीन, ठीक है, और वायलेट पेल पेलो की फीमेल। तो इसके पास भी अब सिक्स आए हैं इसके? अब जी सर इसने मुझे पेल पेलो ऑफलाइन भी दिए हैं और पेल पेलो भी दिए। माशाल्लाह। आमिर भाई इस पेयर के बारे में बताइए कौन सा पेयर आपका है? सर इसमें मेल जो है अल्बाइनो का है और फीमेल जो है ना पार्बलो ऑफलाइन है। तो ये बताइए कौन सी वर्किंग के लिए रखे हुए आपने, मतलब इससे कौन सी वर्किंग चाह रहे हो? सर मैं चाह रहा हूँ इसमें से क्रिमिनो ऑफलाइन पे भी जाऊँगा, क्रिमिनो ऑफलाइन प्रोड्यूस करने के लिए मैं इसके चिक्स ले रहा हूँ। तो इसने अभी तक आपके पास ब्रीड नहीं करी? सर इसने ब्रीड कर दी। तो क्या चिक्स आए थे इसमें? सर इसमें पार ब्लू भी आए अल्बाइनो भी आए, पार ब्लू ब्लैक आई थे। तो आमिर भाई ये इसके चिक्स जो अभी आपने पेड़ दिखाया? जी सर जैसे मैंने आपको कहा कि ये ऑफलाइन भी मेरे पास आ रहे हैं, इसमें से ये वायलेट ऑफलाइन है, ठीक है। तो कितने चिक्स आए थे इसके अभी आपके पास? सर एक दफ़ा तीन आए थे और एक दफ़ा चार आए। साइज देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन साइज है। तो ये भी आपने रोके हुए अपने लिए इस सीजन के रेडी करने के लिए? जी सर। माशाल्लाह ये पैदल देखेंगे। इसमें मेरे पास ग्रीन पेल पेलो भी आ रहे हैं और वायलेट पेल पेलो भी आ रहे हैं, ग्रीन ऑफलाइन भी दिया है पेल पेलो। भाई इस पेयर के बारे में बताएं। सर ये पार ब्लू है स्प्रिट इनो और फिशरी है, इसके साथ में ब्लू फिशरी है। ब्लू फिशरी। तो इसके क्या आपके पास चिक्स आते हैं अगर ब्रीड आती है? सर पार ब्लू भी ले रहा हूँ इससे मैं और फिशरियाँ भी ले रहा हूँ। फिशरी में मैं इसका भी माशाल्लाह सबके पास आए हुए चिक्स वगैरह। मेरे भाई बताइए ये कौन सा पेयर आपको? तो ये पार ब्लू है स्प्रिट इनो मेल है और अल्बाइनो की फीमेल। क्रिमिनो वर्किंग के लिए आपने रखे हुए हैं, क्रिमिनो डेकिनो वगैरह। और मैं इससे क्रिमिनो भी ले चुका हूं। इससे ले चुके हैं तो इसकी ब्रीड भी माशाल्लाह से आपके पास आई हुई है जी। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह जो ब्रीड्स आई हुई वो भी आपको दिखाएंगे, फिलहाल तो हम आपको पेयर हैं वो दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे वो भी दिखाएंगे आपको। सर भाई इस पेयर के बारे में बताइए कौन सा पेयर लगाया हुआ है आपने? सर ये पेस्टल बर्ड है, पेस्टल इनो। पेस्टल इनो रेड आइज जो है अल्बाइनो रेड आइज है। तो ये कौन सी वर्किंग के लिए आपने लगाया है? मतलब कौन से क्रिमिनो के लिए मैंने रखा था और अल्बाइनो के लिए। इससे वैसे माशाल्लाह चाहे थे जी सर, इससे मैंने क्रिमिनो भी ले चुका हूँ सर, पेस्टल बर्ड भी ले चुका हूँ। आमिर भाई इस बर्ड्स के बारे में बताइए जो आपके पास ये बर्ड्स रखे हुए इसका क्या इरादा आपका, मतलब? सर ये मैंने बर्ड्स अपने लिए होल्ड करे हुए हैं, ठीक है, नेक्स्ट सीजन के लिए, इससे मैं नेक्स्ट सीजन में ब्रीड करवाऊँगा इससे।
मतलब ये आगे सेल निकलने से आपने अपने लिए रोके वजह से ब्रीड मजीद करवानी है जी। तो आपके पास कुछ ऐसे बर्ड्स भी है जो आपने सेल आउट करना है? जी सर, मेरे पास है। आपके कौन कौन से बर्ड्स हैं सर? इसमें वायलेट ऑफलाइन है, किरमिनो है, ग्रीन ऑफलाइन है और अल्बाइनो ऑफलाइन है, जो मैं आपको बता रहा था इसके चिक्स आए हुए ना वायलेट वाले के, अल्बाइनो ऑफलाइन है। तो मतलब आपने फ्यूचर सोचा हुआ कि मैंने इससे ये वर्किंग करनी है? जी जी। मतलब क्या क्या चाह रहा है मजीद, इस पर क्या अपडेट करना चाह रहा है सर? इसमें मैं स्प्रेड ब्लू ग्रीन वाले को करूँगा, ग्रीन ऑफलाइन स्प्रेड ब्लू, और इसको जो ऑफलाइन को मैं आगे लेके जाऊँगा पेलफेलो में, मजीद जो वायलेट ब्लू ऑफलाइन पेलफेलो में लेके जाऊँगा। जी सर, इसके आप ये देखें क्वालिटी, साइज वगैरह देखें, इनका बैठने का हुड वगैरह देखें, डीडी ब्लू है, जैसे ग्रीन ऑफलाइन है, इनका बैठने का मतलब हुड वगैरह अच्छे हैं, बहुत साइज में बहुत अच्छे हैं, किरमिनो वगैरह। तो ये साइज आपने खुद इम्प्रूव करे माशाल्लाह से नेक्स्ट ब्रीड के लिए? जी जी सर। तो ये साइज बनाने में कितनी मेहनत करी आप? सैयद भाई, आपको तो पता है बर्ड्स के अंदर मेहनत कितनी है ना, देखते हैं कि मतलब काम ये से बहुत आसान है, लेकिन करने के लिए आपको पता है कि थोड़ी मेहनत भी होती है। क्योंकि माशाल्लाह से जो साइज मैं देख रहा हूँ, जो साइज हमारे व्यूअर को भी नजर आ रहा हूँ, काफी अच्छा बेहतर साइज हुआ है, क्योंकि काफी मेहनत है इसमें आपकी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने माशाल्लाह से साइज को इम्प्रूव करा है। जी सर, इसमें ज्यादा शिफ्ट ये मेरे ख्याल से 6 महीने प्लस है, बस 6 मंथ के माशाल्लाह से। तो चले भी बस और भी आपको मजीद दिखाते हैं इनके पास जो चिक्स आए हैं। तो आमिर भाई, ये चिक्स बताइएगा जो आपके पास ये पट्टे जो कुछ रखे हुए जो आपने कहा सेल आउट करने, कौन कौन से पेयर हैं आप मतलब चिक्स आपके? सर ये पेल पेलो है, विजुअल है इसमें सारे, और ग्रीन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बर्ड, तो ये ग्रीन पेल पेलो है, इसका साइज वगैरह आप देखें चेक करें। ये अगर मेल बनेगा तो ये स्प्रिट ऑफलाइन भी है, स्प्रिट ब्लू स्प्रिट ऑफलाइन, ठीक है। अगर वैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कोई अगर ये लेता है तो इसमें से कौन कौन से बर्ड्स आ सकते हैं अगर उसे ब्रीड करवाते हैं? सर इससे ब्रीड होगी तो ऑफलाइन भी आएंगे, पेलफेलो ऑफलाइन आएंगे और वायलेट ऑफलाइन आएंगे, क्योंकि इसमें जो है वायलेट आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ खाली वायलेट ऑफलाइन है और कुछ वायलेट हैं खाली, वायलेट पेलफेलो, ठीक है। और ये जो पार ब्लू है, ये पार ब्लू स्प्रिट इनर है, स्प्रिट इनर। अगर किसी को चाहिए बिलफर्ज तो क्या डीएनए करवा के देंगे या वैसे ही दे सकते हैं? जैसे उस जो लेना चाहता है उनकी मर्जी के ऊपर है। तो डीएनए के साथ भी दे सकते हैं, विदाउट डीएनए भी चाहिए तो वो भी दे सकते हैं? जी। तो आमिर भाई, ये जो आप बर्ड्स हैं आपने, अगर आपसे कोई खरीदना चाहे तो किस रेट पे आप देंगे या डिमांड क्या है आपकी, इसको बता सकते? सैयद भाई, ये तो जो साहब आएंगे या फ़ोन करेंगे मुझे, तो ये तो फ़ोन पर मैं उन्हें बता दूंगा। हाँ, इसमें जो है ऑफलाइन का जो है ना मेन मेल का जो इशू होता है, स्प्रिट जो होता है मेल होता है, तो मेल की वैल्यू ज़्यादा है इसमें ना, मतलब अगर जो डीएनए करवाए इसमें मेल फीमेल का जब कंफर्म होता है, आप कहने का मकसद है कि मेल के रेट होंगे तो थोड़े से उस टाइम के हिसाब से जो होंगे वो ली जाएंगे? जी जी। और फीमेल्स के रेट थोड़े कम होंगे? जी जी। और अगर कोई आपसे लमसम लेना चाहे तो आप उसी रेट में दे देंगे जो आप फोन पे बात करेंगे? जी जी। डीएनए के बाद थोड़े से आपके चार्जेस चेंज हो सकते हैं? जी। मेल फीमेल कन्फर्म होने के बाद अगर लमसम लें तो व्यूअर्स, अगर कोई लमसम लेना चाहे तो इनसे कॉन्टेक्ट करके बताओ, कह रहे जो मार्केट वैल्यू होगी कॉन्टेक्ट करें मुझसे, मैं फोन पर इनको जितना तमाम डिटेल बताऊँ। फिर आमिर भाई, ये भी आप भी ये कह रहे सेल करने, कौन कौन से पेयर हैं सर? इसमें ऑफलाइन भी है और पार्बलू भी हैं, अल्बाइनो हैं, इसमें एक दाना जो है ना अल्बाइनो ऑफलाइन का एक दाना, पार्बलू स्प्रिट इनो है इसमें, पार्बलू स्प्रिट इनो, कुछ फिशरीज वगैरह भी आपके पास इसमें? जी, इसमें फिशरीज हैं। तो इनकी डिमांड जो वो भी इस तरीके से ऑन कॉल आप बताएंगे या कोई आईडी बता सकते हैं? नहीं, फिशरियाँ जो इसमें नज़र आ रही है ना सर, इसमें वो सेल हो गई, सेल हो गई, वो फिशरियाँ सेल हो गई। और पार्बलू आपके पास इसमें भी सेल करने के लिए, और अल्बाइनो रेड है वगैरह जो है? जी जी। और कौन कौन से इसमें? इसमें एक यूविंग ऑफलाइन है, वायलेट यूविंग ऑफलाइन है और एक ब्लू ऑफलाइन है, ठीक है। ये तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह साइज भी काफ़ी अच्छा है, अगर किसी को चाहिए तो आमिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको तमाम डिटेल्स में इस वीडियो में बताता भी रहूँगा, कांटेक्ट नंबर भी इनका शेयर कर दूंगा। आप चिक्स देख सकते हैं माशाल्लाह, इनका साइज़ भी देखें, काफ़ी अच्छा साइज है। आमिर भाई, ये बताइएगा ये जो कुछ पेयर आपने रखे हुए सर, ये सेल के लिए, इसमें फार ब्लू स्प्रेड इनो, अगर मेल होते हैं ना इनमें से
तो वो स्प्रिट ऑफलाइन भी हो, अगर मेल हुआ तो इसमें स्प्रिट ऑफलाइन भी है, स्प्रिट इन और स्प्रिट ऑफलाइन। तो ये कितने कौन कौन से पेयर है दोबारा बताइएगा? इसमें अल्बाइनो है और फिशरीज है, कार्गिलो स्प्रिट इन है। तो ये भी डिमांड आप मतलब फोन पे बता दें। तो ये टोटल कितने पीस होंगे आपके पास सर? इसमें दो कार्गिलो हैं, दो फिशरीज हैं और अल्बाइनो नज़र आ रहे हैं इसमें। तो व्यूअर्स ये इनके पास कुछ बजरीज के भी पैर रखे हुए जैसे किंग साइज में है एग्जीबिशन में, तो ये बताएंगे अमर भाई, ये बताइए सर। ये मैंने अपने शौक के लिए रखे हुए हैं, तो इसमें से कुछ चिक्स आते हैं तो सेल कर देता हूँ वो भी, लेकिन अमूमन ये ज़्यादातर मेरे शौक के हैं। कौन कौन से ये रखे हुए सर? ये इसमें फेलो भी हैं एग्जीबिशन में और किंग साइज भी हैं, इसमें टी सी बी के अंदर हैं और होगोरोमो हैं, रेसिसिफाइड है, होगोरोमो रेसिसिफाइड हैं। कितने पेयर है ये? तकरीबन 8 से 10 पेयर हैं। जी जी, मैंने शौक रहे बजरी से शुरू किया था एग्जीबिशन, फिर आया, फिर उसके बाद अब लवर्स के अंदर आया। इसमें है कोई आपके पास चिक सेल वगैरह? जी सर, मैं दिखाता हूँ आपको। कौन से बताइए? तो ये वाले चिक्स आपने सेल कर दिए? जी सर, ये सारे जो हैं सेल के लिए हैं। कौन कौन से इसमें बता? इसमें सर एग्जीबिशन मतलब अंडर साइज फेलो हैं और एग्जीबिशन है, और जो एक दो पेयर ऐसे हैं जो बड़े पेयर हैं वो देने के भी हैं एग्जीबिशन के अंदर। तो बड़े पेयर कौन से देने हैं? जी सर, ये है फर्स्ट पेयर जो है ना, ये कौन सा? ये मेल इसका है टीसीबी का ना एग्जीबिशन, स्प्रिट रेड है ये। दूसरा इसके नीचे है, ये एक टीसीबी का मेल है और फेलो की इसके अंदर ना अंडर साइज में फीमेल है। सर इसका मेल है केसीबी का एग्जीबिशन। ब्रीड वगैरह कर चुके हैं आपके पास अभी? नहीं सर, अभी ये फर्स्ट ब्रीड पर आ गए हैं, उम्र इन्होंने पूरी कर ली है, मतलब रेडी टू ब्रीड। जी सर, आगे जो है मैं इनको हटा के ना लबर्स के अंदर ही आना चाह रहा हूँ फुल। तो व्यूअर्स आपने देखा माशाल्लाह से इनका छोटा सा सेटअप है मगर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, काफ़ी अच्छे किस्म के बर्ड्स भी हैं और कुछ बर्ड्स इन्होंने सेल आउट भी करने हैं जिनके बारे में इन्होंने बता दिए। अगर कोई इनसे लेना चाहे तो आमिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। आमिर भाई अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए अगर किसी ने कुछ बर्ड्स। सर मेरा नाम आमिर है और 03102686481 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और लोकेशन आपकी? लोकेशन सरजानी टाउन कराची। तो किस टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को लेना हो? सर सुबह से लेके रात 8 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर किसी ने इनसे बर्ड्स लेना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं और लोकेशन भी इन्होंने आपको बता दिया, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे किस्म के बर्ड्स थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे दोस्त आमिर को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।